फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं हैंगिंग बास्केट के बारे में बताने वाली हूँ। घर में पौधों को गमले में रखने से घर की शोभा बढ़ती है और स्पेस की कमी हो जाती है। धीरे धीरे हम लोग प्लांटर को बढ़ाते जाते हैं, इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने हैंगिंग बास्केट का आइडिया लेके आई हूँ। इस तरह के प्लांटर आप बड़ी आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं और घर की शोभा बढ़ा सकते हैं और आपकी जगह भी खराब नहीं होगी, आपके घर में स्पेस ही स्पेस होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। डार्क बैगनी रंग की पत्तियों और शाखाओं वाला पर्पल हार्ट प्लांट, यह एक सदाबहार पौधा है और यह आराम से हैंगिंग बास्केट में चल जाता है। इसकी कोई केयर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज्यादा पानी और ज्यादा खाद की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये आराम से चल जाता है और ये अपने बैगनी रंग के कारण कॉन्ट्रास्ट लुक भी देता है। आप चाहे तो इस पौधे को इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर रखने से इस प्लांट की कलर चला जाता है, वो फुल्ली ग्रीन हो जाता है पत्तियां भी और इसकी शाखाएं भी। इसलिए इसको 3 से 4 घंटे सनलाइट में रखिए, बहुत अच्छा से ग्रो होता है। अगला प्लांट है हमारा टर्टल वाइन। यह घर को हरा भरा लुक देना चाहते हैं तो आप ये पौधा आप अपने घर में जरूर ऐड कर सकते हैं। यह पौधा सकुलेंट फैमिली से आता है, इसकी देखभाल कम धूप और कम जरूरत पड़ती है। इसकी बहुत सारी लताएं होती हैं जिनकी लंबाई 1 मीटर से आधे मीटर तक होती है और पूरे पॉट को कुछ ही हफ्तों में बड़ी आसानी से भर लेता है। नेक्स्ट प्लांट हमारा है मनी प्लांट। ये तो सभी का फेवरेट होता है और ये प्लांट गुड लक प्लांट भी होता है। बरसों से मनी प्लांट को हम लोग अपने घर में लगाते आए और हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा चलता है। वंडरिंग जू नेक्स्ट प्लांट हमारा है। वंडरिंग जू, यह पौधा नम मिट्टी पसंद करता है। यह पौधा हैंगिंग बास्केट के लिए सबसे अच्छा है। यहाँ से एरियल रूट निकल रही है, इसकी कटिंग करके आप इसको लगाते जाइए, ये बड़ी आसानी से पॉट्स को भर लेगी और बड़ी जल्दी इस टाइम में ग्रो हो जाती है। ये रफ एंड टफ प्लांट होता है, इसको फुल सनलाइट में रख लीजिए या फुल्ली इंडोर भी रख सकते हैं, सेमी शेड में भी रख सकते हैं। ये बहुत आसानी से चल जाता है और बहुत आसानी से ग्रो होता रहता है। फुल सनलाइट में रखने से इसका कलर चेंज हो जाता है। और देखिए अगला प्लांट हमारा है कैलेसिया फ्रेग्रेंस। यह पौधा, इस पौधे को चेन प्लांट के नाम से भी जानते हैं, बास्केट चेन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसका कलर बहुत सुंदर ब्राइट कलर का होता है और हैंगिंग प्लांटर के लिए बहुत ही सुंदर है। देखिए नीचे से इसकी रूट्स निकल रही हैं और बहुत ही अच्छा पौधा होता है। ये इस टाइम में बहुत ही हार्डी प्लांट है और इस टाइम में एरियल रूट इसकी निकलती है तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। ये लटकती हुई इसकी पफ बहुत सुंदर लगती है और हैंगिंग बास्केट में तो इसका लुक ही चेंज हो जाता है। डार्क ग्रीन कलर का बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये। देखिए सभी में इसकी एरियल रूट निकल रही हैं। इसका मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और ये भी एक सकुलेंट फैमिली से प्लांट है। ये देखिए हमारा नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये तो हैंगिंग बास्केट के लिए सुपर है। हैंगिंग बास्केट में ये ऐसे लटकता है तो कितनी सुंदर लगती है और नीचे से देखिए इसकी रूट निकल रही है। इसको कटिंग करके आप कहीं भी लगा लीजिए तो बहुत अच्छा से ये ग्रो हो जाता है। देखिए कितनी सारी सभी में रूट्स निकली हुई हैं और लटकता हुआ ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। ये सेमी शेड में इस प्लांट को रखिए, बहुत अच्छा चलता है और लो मेंटेनेंस का प्लांट है ये। नेक्स्ट प्लांट हमारा है एस्पैरेगस फर्न। ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। देखिए ये चारों तरफ से ऐसे लटक जाते हैं हैंगिंग बास्केट में तो ये बहुत सुंदर लगता है और इसकी कटिंग करके आप गोल आकार भी दे सकते हैं। इस पौधे को जैसी आकार देने के मन है आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा है, चल जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।